नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आने वाले सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल की। 11 जुलाई से 17 जुलाई वाले सप्ताह की स्थितियां क्या हैं, क्या संभावनाएं हैं, उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेष राशि की बात कर लें। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं है और मेष वालों को सप्ताह की शुरुआत में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। करियर का मामला, परिवार का मामला अच्छा है, धन का मामला अच्छा है और रुका हुआ काम भी सप्ताह में आपका पूरा होगा और इस सप्ताह में आपके संतान पक्ष की विशेष उन्नति होती हुई भी दिखाई दे रही है। ध्यान सिर्फ सप्ताह की शुरुआत में अपने स्वास्थ्य का रखिएगा और अपने महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में निपटा लीजिएगा। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में दौड़ भाग बहुत है, काम भी बहुत रहेगा और व्यस्तता भी बहुत रहेगी। देखिए, व्यस्तता के चक्कर में सेहत को नजरअंदाज मत करिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और कोई भी पेपर पे साइन कर रहे हैं, लिखा पढ़ी कर रहे हैं तो उस मामले में सावधानी रखिएगा। पैसे का मामला आपके लिए बेहतर बना रहेगा और जिस काम की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें जल्दबाजी ना करें, आराम से चलेंगे तो आपके लिए चीजें बेहतर होंगी। मिथुन राशि, बहुत सारे रुके हुए काम इस सप्ताह की शुरुआत में पूरे होंगे, धन और संपत्ति की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। इस सप्ताह में आपके परिवार में, आपके घर में कोई पूजा पाठ, कोई शुभ और मंगल कार्य हो सकता है। इस सप्ताह के अंत में आप अपनी हड्डियों का और अपनी आंखों का ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां पर इस समय आपके लिए दिक्कतें चल रही हैं। बाकी मामला सप्ताह का देखिए अच्छा है, बहुत सारी चीजें इस सप्ताह में आप निपटा पाएंगे, इसलिए सप्ताह का पूरा फायदा उठाएं। कर्क राशि, धन के लिए कर्क राशि वालों के लिए अच्छा समय है, करियर के लिए अच्छा समय है, किसी छोटी लाभकारी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। मानसिक तनाव अभी भी कहीं ना कहीं बना हुआ है लेकिन बुद्धिमानी से चीजों को एडजस्ट करके कुछ समय बीतने दीजिए, कुछ समय के बाद ये स्थितियां नॉर्मल हो जाएंगी। इस समय बुद्धिमानी और धैर्य का परिचय आपको देना होगा। सप्ताह के अंत में थोड़ी मुश्किल है लेकिन बाकी सप्ताह अच्छा है, तो अगर कोई महत्वपूर्ण काम है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो वो सप्ताह के शुरुआती समय में अगर आप करें तो आपके लिए बेहतर होगा। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, हालांकि छोटी मोटी समस्या है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। करियर की बाधाएं समाप्त होंगी, संपत्ति संबंधी काम भी इस सप्ताह में आपका होता हुआ दिख रहा है। कोई आकस्मिक पैसे का फायदा या रुका हुआ धन मिलने का फायदा इस सप्ताह के अंत में हो सकता है, उसका ध्यान बनाए रखिए। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए यात्रा के योग निश्चित रूप से बन रहे हैं लेकिन स्वास्थ्य का और चोट चपेट का ध्यान रखिएगा। परिवार में इस समय बेवजह का तनाव हो सकता है, बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं, उसका भी ध्यान रखिए। धन का मामला और करियर का मामला वैसे आपका ठीक रहने वाला है और अगर संपत्ति संबंधी कोई महत्वपूर्ण काम है तो वो महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में आपका बन सकता है, इस दिशा में आपको कोशिश करनी चाहिए। तुला राशि, धन की स्थितियां बहुत अच्छी हैं और काम भी बेहतर तरीके से आ रहा है लेकिन अपना महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में मत टालिएगा। दो चीजों पर ध्यान दीजिएगा, एक अपने संतान पक्ष पर और दूसरा अगर कोई मुकदमेबाजी है, कोई विवाद है तो उसको निपटाने की कोशिश करिएगा। अगर कोई महत्वपूर्ण काम है तो उसको टालने से बचिएगा क्योंकि आगे चल करके वो चीज आपको परेशान कर सकती है। वृश्चिक राशि, धन की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है और इस समय संपत्ति या वाहन का फायदा भी आपको हो सकता है। आर्थिक स्थिति को लेकर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। आंखों का और हड्डियों का इस सप्ताह में ध्यान रखिएगा और अगर रिश्तों में कहीं दिक्कत आ गई है या वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है तो आगे बढ़कर के उसको सुलझाने का प्रयास करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि, बेवजह का मानसिक तनाव सप्ताह की शुरुआत में दिख रहा है लेकिन ये एक दो दिन की बात है, ज्यादा लंबा नहीं है। करियर में आपको इस सप्ताह में फायदा हो सकता है, पोजीशन का लाभ हो सकता है,
धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी बनी हुई है। हालांकि इस सप्ताह में आपको छोटी मोटी कई यात्राओं पर भी जाना पड़ सकता है। तो धनु वाले केवल सप्ताह की शुरुआत में अगर ठीक रहें तो बाकी सप्ताह आपके लिए अच्छा है। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में धन की स्थितियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर और परिवार को लेकर थोड़ी बहुत चिंताएं अभी बनी हुई हैं। सप्ताह के मध्य से आपकी स्थितियां बेहतर होंगी बृहस्पतिवार से। वहां से करियर का मामला, परिवार का मामला आपका बेहतर होता जाएगा। बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है और धन की स्थिति आपके लिए कुल मिलाकर इस सप्ताह में ठीक रहेगी। तो पारिवारिक मामलों में अगर आप शांति रखें और बेवजह का तनाव ना पालें तो मामला बहुत गंभीर नहीं है। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में करियर में लाभ के योग हैं, धन का लाभ भी होगा और समस्याएं भी हल होंगी। अगर रिलेशनशिप की, रिश्तों की कोई समस्या है तो वो भी सप्ताह में हल होती हुई दिखाई दे रही है। इस सप्ताह में भी अपने स्वास्थ्य का, अपने खान पान का ध्यान रखिएगा और अगर कोई महत्वपूर्ण काम है तो सप्ताह के अंत में निपटाने का प्रयास करिए, वो काम आपका बन जाएगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में काम ज्यादा रहेगा, हालांकि देखिए नए अवसर करियर के इस समय मिलेंगे और धन का लाभ भी होगा। अगर कोई इंटरव्यू है, कोई कॉम्पिटिशन है इस सप्ताह में तो उसमें आपको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर में बदलाव की संभावना तो बन रही है, लेकिन जब तक बहुत जरूरी ना हो इस सप्ताह करियर में बदलाव मत करिएगा। अपने पेट का और अपनी आंखों की समस्या का सप्ताह के अंत में ध्यान रखिएगा। अब इस सप्ताह में उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, बेहतर होगा कि इस सप्ताह में माता दुर्गा की उपासना की जाए। रोज सुबह उनको लाल फूल चढ़ा करके अगर पूजा की जाए इस पूरे सप्ताह में तो सप्ताह आपके लिए शुभ होगा। तो चलिए आपको पुनः सूचना दे देते हैं कि देखिए मुझसे संपर्क करने के केवल दो ही अथराइज्ड नंबर हैं, 9911807700, 9818072644। इन दोनों नंबर पर आप प्रामाणिक रूप से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हम फेसबुक के माध्यम से, फेसबुक पर लिंक के माध्यम से, 699 रुपए की स्कीम के माध्यम से कोई काम नहीं करते हैं, तो इस तरह के फ्रॉड से आपको बचना चाहिए। तो फिलहाल के लिए आज के अंक में बस इतना ही। आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।